गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, इंटरनेट एंड WWW, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। इससे संबंधित आज हम आपके लिए 100 प्रश्न हम आज आपको मतलब रिवीजन करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम्स थ्रू ऐप लॉन्च बाय रेलवे मिनिस्ट्री इन। तो रेलवे मिनिस्ट्री ने जो यूटीएस जो सिस्टम जो लॉन्च किया था वो आपका दिसंबर 2014 में लॉन्च किया था, इसलिए इसमें से सारे ऑप्शन जो है गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे नन ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। इसमें से एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है तो कौन सा है, गूगल भी है, मोजिला भी है, एप्पल भी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड वाइड वेब इज कंपोज्ड ऑफ, द वर्ल्ड वाइड वेब इज कंपोज्ड ऑफ क्या रहेगा, मिलियन ऑफ वेब पेजेस। क्या रहेगा, मिलियन ऑफ वेब पेजेस। जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो क्या है, मिलियन ऑफ वेब पेजेस का एक संग्रह है। वेब पेजेस कैन बी डेवलप बाय यूजिंग लैंग्वेज। वेब पेज किसके द्वारा मतलब डेवलप किया जाता है, किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, HTML। HTML मींस होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है आपका, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। WAIS stand for WAIS का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है आपका, ध्यान दीजिएगा आपका होता है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। क्या होता है आपका, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। WAIS stand for वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। अगला प्रश्न है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द इंटरनेट वॉज ओरिजिनली डेवलप बाई, जो इंटरनेट था वो डेवलप किया गया था किसके द्वारा, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। किसके द्वारा डेवलप किया था ओरिजिनली, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के थ्रू। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर विच अलाउज यूजर टू व्यू द वेब पेज इज कॉल्ड, सॉफ्टवेयर विच अलाउज यूजर टू व्यू द वेब पेज इज कॉल्ड एज, इसको क्या कहते हैं, इंटरनेट ब्राउजर। क्या कहते हैं इसको, इंटरनेट ब्राउजर कहते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम वेब पेजेस को व्यू कर सकते हैं, वेब पेजेस को देख सकते हो, क्या होता है, इंटरनेट ब्राउजर कहलाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, द इंटरनेट यूजर्स, जो इंटरनेट है उसको यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, पैकेट स्विचेस। जो इंटरनेट है वो क्या यूज करता है, पैकेट स्विचिंग यूज करता है। पैकेट स्विचिंग का मीन्स ये होता है आपका कि जो भी डेटा हमारा ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में जो है क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसफर की तरह से मतलब रेट ऑफ ट्रांसफर होता है डेटा, इसलिए इसको क्या होता है, पैकेट स्विचिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट, हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट, तो कौन हो जाएंगे, विंडसर। जो इंटरनेट के फादर है वो कौन है, पिता है, यानी कि कौन है, विंडसर। अगला प्रश्न है, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाय इंटरनेट इज, इसमें से कौन सा, तो TCP/IP। जो TCP/IP जो है आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है उसको इंटरनेट यूज करता है। TCP का मींस होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मींस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। बोथ ऑफ यानी TCP और IP इट इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ इंटरनेट, आल्सो इट इज कॉल्ड अ मेन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट, ध्यान में रखिएगा। ISP stand for क्या था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका ऑप्शन होता है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ध्यान में रखिएगा। जो ISP का जो फुल फॉर्म होता है क्या था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। अगला प्रश्न है, क्लाइंट प्रोग्राम यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट सर्विसेस एंड रिसोर्स अवेलेबल थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब। जो क्लाइंट प्रोग्राम है क्या करता है, इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस, रिसोर्सेज को एक्सेस करता है थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, वेब ब्राउजर। जो क्लाइंट प्रोग्राम होता है क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटरनेट की भाषा में वेब ब्राउजर। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पे, हम ध्यान से देखते हैं, HTML इज सिमिलर टू सर्च। HTML का यूज कर सर्च करने की क्या जाता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। क्या है, HTML इज सिमिलर टू सर्च ना, HTML किस लिए यूज किया जाता है, डेवलप टू वेब पेजेस। The internet is a collection of files. जो इंटरनेट क्या है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ क्या है, क्या है, वेब पेजेस है, ना कि जो कलेक्शन ऑफ फाइल्स है आपका, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगला, एक्स्ट्रानेट इज अ वेब विद इन अ वेब। एक्स्ट्रानेट इज अ वेब विद इन अ वेब, बिल्कुल सही। जो एक्स्ट्रानेट होता है क्या था, वेब के अंदर में वेब होता है, ठीक है, एक सर्वर के अंदर में सर्वर होता है। नेक्स्ट है, FTP स्टैंड फॉर, FTP का मींस होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है आपका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP मींस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
URL has a two type. URL क्या होता है? Two type. बिल्कुल सही. URL कितने प्रकार के होते हैं? Two प्रकार के होते हैं. URL has a two types होता है. अगला है DNS स्टैंड फॉर. DNS का मीन्स होता है डोमेन नेम सिस्टम. क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है. DNS का जो पूरा नाम होता है क्या होता है आपका? डोमेन नेम सिस्टम होता है. वेंडर ऑफ सी मंकी वेब ब्राउजर. वेंडर ऑफ सी मंकी वेब ब्राउजर है किसका? है मोजिला फाउंडेशन का है. किसका है? मोजिला फाउंडेशन का है. जो वेंडर ऑफ यानी कि सी मंकी, जो सी मंकी है वेब ब्राउजर है, इसका वेंडर कौन है? इसका वेंडर कौन है? मोजिला फाउंडेशन है. जो सी मंकी वेब ब्राउजर है इसका वेंडर कौन है? मोजिला फाउंडेशन है. अगला है एनएनटीपी स्टैंड फॉर. एनएनटीपी का मतलब होता है नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल. क्या होता है? नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल. जो एनएनटीपी होता है इसका फुल नेम होता है नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अगला एसएमटीपी स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो ये पूरी तरह से आपका क्या था जो ट्रू है. एसएमटीपी मींस सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. टेलनेट इज अ रिमोट लॉगिन. बिल्कुल सही. टेलनेट क्या है? आपका रिमोट लॉगिन सिस्टम होता है. अगला जो है प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं टीएफटीपी स्टैंड फॉर ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. बिल्कुल सही है. ये आपका क्या होता है? ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है पूरी तरह से, जो क्या आपका ट्रू है. अगला प्रश्न देखते हैं प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स. बिल्कुल सही. जो प्रोटोकॉल्स क्या होता है? नियमों का एक समूह होता है. विच टोपोलॉजी कनेक्टेड टू सेंट्रल नोड. इसमें से कौन सी एक टोपोलॉजी जो मतलब एक सेंट्रल नोड के थ्रू कनेक्ट होती है, तो उसका नाम क्या है आपके पास? स्टार टोपोलॉजी. क्या होती है? स्टार टोपोलॉजी जो होती है वो उसमें क्या एक सेंट्रल हब होता है जिसके थ्रू क्या होते हैं अन्य नोड्स कनेक्ट किए जाते हैं. स्टार टोपोलॉजी. इन बस टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल. बिल्कुल सही है. बस टोपोलॉजी में क्या होता है? एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट होता रहता है, वो भी सिंगल केबल के थ्रू. PSDN स्टैंड फॉर पब्लिक स्विच डेटा नेटवर्क. बिल्कुल सही है. PSDN का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? पब्लिक स्विच डेटा नेटवर्क. क्या होता है? पब्लिक स्विच डेटा नेटवर्क होता है. PSTN स्टैंड फॉर पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क. जो PSTN का जो फुल फॉर्म है PSTN, यहाँ पे क्या था? PSDN. PSDN का मतलब होगा पब्लिक स्विच डेटा नेटवर्क और PSTN का मतलब पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क. इसलिए ये भी आपका क्या हो जाता है? ट्रू आपका हो जाता है. अगला देखिएगा VANS stand for Value Added Network Services. VANS का जो फुल फॉर्म है, VANS का जो फुल फॉर्म है क्या है आपका? Value Added Network Services. क्या है? Value Added Network Services उसका जो है पूरा नाम होता है. क्या है इसका पूरा नाम? है Value Added Services इसका पूरा नाम होता है. किसका? VAN का पूरा नाम है Value Added Services. अगला प्रश्न हम देखते हैं ISDN stand for Integrated Service Digital Networks. ISDN का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, जो पूरी तरह से आपका क्या है? ऑप्शन ट्रू है. अगला प्रश्न है थॉमस जिमरमैन वाज़ द फर्स्ट रिसर्च साइंटिस्ट टू ब्रिंग द आइडिया ऑफ द पर्सनल एरिया नेटवर्क. बिल्कुल सही है. पूरी तरह से क्या है? जो थॉमस जिमरमैन थे वो क्या थे? पहले थे जिन्होंने क्या किया था? पर्सनल एरिया नेटवर्क का आइडिया जो है प्रस्तुत किया था. अगला है टीवी रिमोट एंड वायरलेस माउस आर एग्जांपल ऑफ इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी. बिल्कुल सही. जो टीवी रिमोट होते हैं और जो वायरलेस माउस होते हैं किसके एग्जांपल होते हैं? इंफ्रारेड. इंफ्रारेड जो टेक्नोलॉजी होती है वो शॉर्ट टर्म वायरलेस टेक्नोलॉजी कैसी होती है? शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है. अनगाइडेड मीडिया मीन्स वायरलेस टेक्नोलॉजी. बिल्कुल सही. जो अनगाइडेड मीडिया होता है उसमें हम वायर्स का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? मतलब कनेक्शन के लिए किसका यूज करते हैं? वायर्स का यूज करते हैं. UTP stand for unshielded twisted pair. बिल्कुल सही. UTP का जो पूरा नाम होता है क्या था? unshielded twisted pair होता है. IP address is a unique set of numbers which identifies the computer location. तो ये भी आपका सही. जो IP address होता है क्या था? unique set of numbers होता है जो आपके computers की location को क्या करता है? identify करता है. क्या करता है? जो आपके computer की location को identify करता है. अगला प्रश्न यहाँ पे ARPA. ARPA stand for Advanced Research Project Agency. बिल्कुल सही है. ARPA का जो फुल नेम होता है क्या होता है? Advanced Research Project Agency. बिल्कुल सही है. ARPA also called a first internet connection. ARPA को जो है पहला जो है इंटरनेट कहा भी जाता है. अगला क्वेश्चन है WiMAX. WiMAX का जो पूरा नाम होता है World Wide Interoperability for Microwave Access. बिल्कुल सही है. जो WiMAX का जो फुल नेम होता है क्या होता है? वर्ल्ड वाइड
इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है। अगला प्रश्न है, डक डक गो इज अ सर्च इंजन। तो बिल्कुल सही है भैया, जो डक डक गो होता है क्या है आपका, सर्च इंजन होता है। जो डक डक गो है वो क्या है आपका, सर्च इंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, सिंप्लेक्स मोड इज अ अन यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। जो सिंप्लेक्स मोड है उसका जो जो है जो सिंप्लेक्स मोड होता है वो यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। बिल्कुल सही, जो सिंप्लेक्स मोड है कैसा है, यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। फुल डुप्लेक्स मोड इज अ टू वे डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सिमल्टेनियसली। बिल्कुल सही, जो फुल डुप्लेक्स मोड होता है कैसा है, टू वे आपका डायरेक्ट टू वे डायरेक्शनल आपका कम्युनिकेशन होता है, एक साथ संवाद होता है किसे, दोनों तरफ से जो है फुल सिंप्लेक्स फुल डुप्लेक्स मोड में आपका ये संवाद चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, IETF का जो पूरा नाम होता है क्या था, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। बिल्कुल सही है, IETF का जो फुल नेम है क्या है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स होता है। अगला है IMAP, IMAP का जो पूरा नाम होता है क्या था, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये भी ऑप्शन आपका क्या है, जो IMAP है उसका पूरा नाम क्या था, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं, वाईफाई का पूरा नाम क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। बिल्कुल सही ऑप्शन है, वाईफाई का जो पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी होता है। द वेब इज अनदर नेम फॉर द इंटरनेट। बिल्कुल सही, वेब का दूसरा नाम क्या होता है, इंटरनेट होता है। बिल्कुल सही, यहाँ पे ये भी है, जो वेब का दूसरा नाम होता है, अनदर नेम क्या होता है, इंटरनेट होता है। अगला प्रश्न है, इन विंडोज 10 इज डिफॉल्ट वेब ब्राउजर इज माइक्रोसॉफ्ट एज। बिल्कुल सही, माइक्रोसॉफ्ट एज है, क्या है उसका नाम है, विंडोज 10 में जो आपका डिफॉल्ट इंटरनेट होता है उसको क्या कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। जैसे ये यहाँ पे जो है ये आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज का ऑप्शन है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये डिफॉल्ट इंटरनेट वेब ब्राउजर्स होता है। अगला प्रश्न है, UDP इज अ कनेक्शन एंड अनरिलायबल प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही, जो UDP होता है इज अ कनेक्शन जो आपका कनेक्शन लेस है, UDP इज अ कनेक्शन लेस एंड अनरिलायबल प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही, UDP जो होता है कैसा होता है आपका, कनेक्शन लेस और अनरिलायबल प्रोटोकॉल आपका होता है। अगला यहाँ पे देखिएगा, IP version 6 साइज इज 128 bit नंबर। बिल्कुल सही, जो IP version 6 होता है उसमें 128 bit नंबर का यूज किया जाता है। किसमें, IP version 6 में, IPv6 का मींस हो जाता है यहाँ पे, IP version 6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल version 6। इसका पूरा नाम क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल version 6। इसलिए भी ऑप्शन आपका क्या है, ट्रू ऑप्शन हो जाता है आपका। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, IP version 4 साइज इज 32 bit। बिल्कुल सही, ये भी ऑप्शन आपका सही है, जो IP version 6 है उसका साइज है 128, IP version 4 है उसका साइज कितना है IP version 4 का कितना है 32 bit है। अगला, URL स्टैंड बाय यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बिल्कुल सही, यूनिफॉर्म URL का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपका URL होता है, ये देखिए ये क्या है आपका URL है। अगला प्रश्न देखिए, मैक एड्रेस इज अ 48 bit हेक्साडेसिमल। बिल्कुल सही, जो मैक एड्रेस होता है क्या होता है, 48 बिट होता है, वो भी किसमें, हेक्साडेसिमल में। किसमें होता है, हेक्साडेसिमल में आपका होता है 48 बिट का। ये भी ऑप्शन आपका क्या है, पूरी तरह से आपका ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस। इनमें से टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एग्जांपल कौन सा है, तो भैया कौन सा है, मॉडेम है। कौन सा है, मॉडेम है। मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। ये क्या है आपका, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस होती है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ, इंटरनेट किसका मोस्ट फेमस एग्जांपल, किसका, वैन का। वैन बोले तो वाइड एरिया नेटवर्क, लैंड लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इंटरनेट किसका मोस्ट फेमस एग्जांपल है, किसका है, वैन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू। कनेक्टेड टू किससे होते हैं भैया, नेटवर्क से होते हैं। किससे होते हैं, नेटवर्क से होते हैं। जो भी सर्वर्स कंप्यूटर होते हैं प्रोवाइड रिसोर्स कराते हैं किससे, जो अन्य कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं किससे, नेटवर्क से कम कनेक्ट होते हैं उन्हीं को क्या कराता है, अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, HTTP stand for Hypertext Transfer Protocol। बिल्कुल सही, HTTP का पूरा नाम क्या होता है, Hypertext Transfer Protocol। What do you mean by browser? Browser का जो नाम, जो browser से क्या तात्पर्य है,
अब वेबसाइट ऑन वेब इज प्रोग्राम शोइंग वेबसाइट होता है, इट इज यूज टू मेक द वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, इसे क्या कहेंगे जो होता है इसे कहेंगे वेब होस्टिंग। क्या इसको कहेंगे, जो भी वेबसाइट जो है अवेलेबल होती है इंटरनेट पे उसको क्या कहते हैं, वेब होस्टिंग कहते हैं उसे। इन विच फॉर्मेट आ वेब पेज इज सेव्ड, जो वेब पेज जो सेव्ड होता है किस फॉर्मेट सेव होता है, HTML फॉर्मेट, किसमें, HTML फॉर्मेट में। अगला प्रश्न है TCP/IP कनेक्ट टू होम, TCP/IP कनेक्ट टू होम किसको कनेक्ट करता है, सर्वर्स एंड क्लाइंट को कनेक्ट करता है। जो TCP/IP है किसको कनेक्ट करता है, सर्वर एंड क्लाइंट को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव स्पेसिफिक आईपी एड्रेस इन एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, बिल्कुल सही है, ठीक है। सभी के लिए क्या होता है, ये स्पेसिफिक आईडी आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है प्रत्येक जो भी इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। होज एग्जाम्पल आर याहू एंड गूगल, याहू एंड गूगल क्या है, दोनों क्या है, सर्च इंजन है। याहू एंड गूगल क्या है, दोनों बोथ हैव सर्च इंजन। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं, ध्यान देखिएगा, अपाचे, गुड मॉर्निंग, अपाचे ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अपाचे इज अ वेब सर्वर, तो अपाचे क्या है आपका, वेब सर्वर है, अपाचे क्या है आपका, वेब सर्वर है, बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पे जो अपाचे है आपका क्या है, वेब सर्वर है आपका। अगला प्रश्न, FAT स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन टेबल, बिल्कुल सही, FAT क्या होता है आपका, फाइल एलोकेशन टेबल होता है, क्या होता है आपका, फाइल एलोकेशन टेबल होता है, FAT का पूरा नाम क्या था, फाइल एलोकेशन टेबल। विच आर द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सर्च इंजन, सर्च इंजन इसमें से पहला कौन सा था, इसमें से पहला जो सर्च इंजन है वो कौन सा था आपका, देखिएगा आलची था, क्या था नाम था उसका, आलची पहला जो है सर्च इंजन था। अगला प्रश्न है, हाउ इज कम्युनिकेशन डन इन वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी जो वॉकी टॉकी समझते हैं उसमें किस प्रकार का मतलब आपका होता है, मतलब कम्युनिकेशन होता है, कैसा होता है उसमें, हाफ डुप्लेक्स होता है, कैसा होता है उसमें, हाफ डुप्लेक्स होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल, तो जिसमें से सबसे अधिक कौन सा होता है, HTTP होता है, कौन सा होता है, HTTP means hypertext transfer protocol आपका होता है। अगला प्रश्न देखिए, WAN stand for wide area network, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, which page is the first page when we open a website, जिसको क्या कहते हैं, home page कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम लोग home page कहते हैं, website का पहले page को क्या कहते हैं, home page। अगला, www stand for world wide web, बिल्कुल सही है। जो अगला प्रश्न है, URL stand for uniform resource locator, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, दिस डिवाइस इज यूज टू सेंड डेटा पैकेट टू द नेटवर्क, इसमें से कौन सी डिवाइस है, मॉडेम है, राउटर है, रिपीटर है, हब है, तो क्या होगा इसमें से, राउटर का यूज करेंगे, राउटर का यूज करके क्या किए थे, सेंड डेटा पैकेट टू द नेटवर्क। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, वी यूजुअली आर देयर ईमेल एड्रेस टू कनेक्ट विद अदर पीपल ऑन द इंटरनेट, बिल्कुल सही है, क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, और लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, What is called going from one page to another page? एक पेज से दूसरे पेज पर जाने को क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे यहाँ पे, हम ब्राउजिंग कहेंगे, क्या कहेंगे हम यहाँ पे, ब्राउजिंग कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, Which of the following contributes to the introduction of internet in India? इंटरनेट इन इंडिया की बात यहाँ पे हो रही है, BSNL है, BSNL है, MTNL है, तो यहाँ पे सबसे पहले की बात है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट इन इंडिया, तो क्या आपका हो जाएगा, BSNL हो जाएगा, क्या आपका हो जाएगा, BSNL हो जाएगा आपका, विदेश संचार निगम लिमिटेड आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज द होस्ट अ कंप्यूटर, तो क्या हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजीज। अगला प्रश्न है, HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल सही है, HTML पूरा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। Which of the following does the security of network? क्या होता है आपका? Firewall होता है। Internet में जो security होती है, network में जो security use होती है, उसको firewall कहते हैं। Which type of connection telephone lines is used to connect to the internet? क्या इसको कहेंगे? Dial-up कहते हैं। कौन सी जो telephone में in telephone के through जो line connect होती है internet के लिए, उसको dial-up connection बोलते हैं। Transferring data file from computer to server by user is called क्या कहते हैं इसको? Uploading कहेंगे। क्या इसको कहेंगे? Uploading कहेंगे। A router perform the same function as, router perform same function as किसकी तरह से करता है? Bridge की तरह से करेगा। अगला प्रश्न है, which of the following is not an example of web browser? इसमें से एक web browser का example नहीं, कौन सा नहीं web browser का? Google, Google क्या है? आपका search engine है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, choose the odd one from the following, तो क्या हो जाएगा? FTP हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? FTP हो जाएगा। अगला है, which of the following is the standard protocol of internet? तो TCP/IP क्या होते हैं आपके? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं आपके। अगला है, व्हाट
वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट वेब ब्राउजर? मोज़ेक। पहला वेब ब्राउजर कौन था आपका? मोज़ेक था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर? पहले ग्राफिकल वेब ब्राउजर का नाम जब नाम आएगा तब यहाँ पे क्या रहेगा, इसमें भी क्या आपका हो जाएगा, मोज़ेक हो जाएगा। इसमें भी ध्यान से देखिएगा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट वेब ब्राउजर, तो इसमें क्या रहेगा आपका, द वर्ल्ड वाइड वेब। क्या रहेगा आपका, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर में आपका मोज़ेक हो जाएगा। ठीक, ग्राफिकल वेब ब्राउजर में क्या हो जाएगा आपका, मोज़ेक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, विच कंट्री हैज द मोस्ट इंटरनेट यूजर्स? चाइना। कहाँ पे है? चाइना में है आपके। फिर एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। बिल्कुल सही है। वीपीएन स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बिल्कुल ट्रू है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इफ द नेटवर्क केबल ऑफ कंप्यूटर ब्रेक्स द इंटायर कंप्यूटर नेटवर्क इज शट डाउन, तो किसमें आपका हो जाता है? ये फर्स्ट टोपोलॉजी का है एग्जाम है। वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग लोकेटेड? कहाँ है आपका? देहरादून में। कहाँ है आपका? देहरादून में है आपका। अगला है, व्हाट इज द रेस्ट्रिक्टिव डोमेन फॉर बिजनेस पर्पस .com यानी कि कॉमर्शियल। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लेयर्स फाउंड इन ओएसआई रेफरेंस मॉडल? कितना होता है आपका? 7 होता है। जो ओएसआई जो रेफरेंस मॉडल होता है उसमें 7 लेयर्स होती है। गिवन आईपी एड्रेस, इतना ये जो आपका दिया हुआ इज एन एग्जाम्पल, अभी किसका, आईपी वर्जन 6 का एग्जाम्पल है। किसका है ये? आईपी एड्रेस 6 का ये एग्जाम्पल है। किसका? आईपी एड्रेस 6 का है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मीन बाय यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या हो जाएगा? एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट आर पेजेस। क्या हो जाएगा? एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट आर पेजेस हो जाएगा आपका। यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट स्पीड? इसमें से फास्टेस्ट स्पीड किसका होता है? लैंड का होता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में क्या था आपका, फास्टेस्ट होता है। अगला है, HTTP/Google इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच? एग्जाम्पल ऑफ विच किसका? ये एग्जाम्पल किसका? URL का एग्जाम्पल। क्या है ये? URL का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न देखते हैं, DSL इज अ ब्रॉडबैंड टाइप ऑफ कनेक्शन? तो बिल्कुल सही, जो DSL क्या है, ब्रॉडबैंड टाइप ऑफ कनेक्शन होता है। अगला है, इन विच ईयर इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया? 15 अगस्त 1995। कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 में। DHTML सिस्टम डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल ट्रू है आपका। DHCP स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी आपका क्या है, ट्रू है। SSH यानी सिक्योर सॉकेट सेल, पूरी तरह से ये भी आपका क्या है, ट्रू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है आज का जो टॉपिक था ये पूरी तरह से फिनिश होता है। अब इसके बाद जो है हम कल आपको चैप्टर नंबर 7 पे जो है डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चंस पे, तो आप सब बने रहिएगा और देखते हैं आज का, और कल क्लास जो है चैप्टर नंबर 7 की जो है आपके साथ में होगी। ठीक है, कल चैप्टर नंबर 7 के साथ आपकी क्लास होगी यहाँ पे, वो भी आपकी ऑनलाइन आपकी जूम पर ही होगी चैप्टर नंबर 7 की। चलिए, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। किसी को कुछ पूछना है?